गाइस वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल आ चुके हैं। यहाँ पे काफी सारे मैचेस होने वाले हैं, भीषण मैचेस होने वाले हैं एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू मिस ऑन एनी ऑफ द अपडेट्स। सो इफ यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ फुटबॉल इन द वर्ल्ड कप, डू रिमेंबर टू डाउनलोड वन फुटबॉल एप्लीकेशन बिकॉज ओवर देयर यू विल प्रोवाइडेड विद डेली फिक्स्चर्स अपडेट, यू विल प्रोवाइडेड विद द लाइव टिकर्स। इफ यू आर मिसिंग द मैच यू कैन रीड द लाइव कमेंट्री ओवर देयर, यू कैन रीड द स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यू विल बी नोटिफाइड अबाउट द लाइनअप, अबाउट द प्री मैच, द पोस्ट मैच कॉमेंट्स बाय द प्लेयर्स, बाय द मैनेजर्स, पर्टिकुलर रिव्यूज भी वहाँ पे आप लोगों को मिल जाते हैं, प्लस वट एवर इज गोइंग ऑन इन द अदर गेम्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, एवरी थिंग विल बी अवेलेबल टू यू ऑन द वन फुटबॉल एप्लीकेशन। सो डू योर सेल्फ अ फेवर एंड डू मी अ फेवर, गो इन टू माई डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन द लिंक और स्कैन दिस क्यूआर कोड ओवर हियर टू डाउनलोड वन फुटबॉल। भाई देख रहे हो वो मेरे खिड़की से समझ लो बस थोड़े दूर पे ही सेकंड वाले ब्लॉक में ही वहाँ पे पार्टी शार्टी हो रही है। भाई अर्जेंटीना फैंस क्रेजी हैं, रात के बज रहे हैं समथिंग अराउंड 3:30 और ये जो शो चल रहा है इनका, ये जो गाना बजाना और ये जो बारबेक्यू ये चल रहा है इनका, ये सुबह के 7 बजे तक चलता रहता है प्रोबेबली। दीज गाइज आर रेडी। भाई साहब माहौल सेट है, अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड इन द क्वार्टर फाइनल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, बिजनेस एंड ऑफ फुटबॉल। मैंने कई लोगों से बात की, मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों को क्या लगता है अर्जेंटीना कहां तक जाएगी इस फीफा वर्ल्ड कप में, हर एक बंदा कहता है डिपेंड्स ऑन हाउ मेसी प्लेज। सो ये टीम इतनी भयंकर मेसी डिपेंडेंट है, नाउ व्हेन पीपल थिंक ऑफ इट लाइक दैट, मेसी चला अर्जेंटीना चली, मेरे ओपिनियन में इट नेवर हैज बीन लाइक दैट। मेरे ओपिनियन में इट हैज ऑलवेज बीन एक अर्जेंटीना की टीम जिसका लियो मेसी एक पार्ट है, बट देन हमने पिछले मैचेस में देखा है कि लियो मेसी हैज बीन द रियल डिफरेंस मेकर। भाई ओपनर दिया है या तो असिस्ट किया है कुछ ना कुछ, भाई पिच पे वो बंदा हमेशा से कुछ ना कुछ आग लगाते हुए आया है फॉर अर्जेंटीना इन दिस होल फीफा वर्ल्ड कप। Right now, we need him at his very, very best. Netherlands is not an easy job. No. Netherlands would not be like ऐसी आसान टीम जिसके अगेंस्ट हम जाते हैं, बॉल रखते हैं एंड हम गोल स्कोर करते हैं, सब कुछ चंगा नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। लुई वान हाल है पोजीशन में, लुई वान हाल एक हरामखोर मैनेजर है, ही विल कम अप विद अ वे टू थॉट लियोनेल मेसी, ही विल कम अप विद अ वे कि मिडफील्ड को हमारी न्यूट्रलाइज करे। सब कुछ डिपेंड करता है कि लाइनअप कैसे करेगी नीदरलैंड। आपको पता है कि नीदरलैंड इस पूरे वर्ल्ड कप के सीजन में दे हैव गॉन इन अ बैक 3 मिड 2 एंड फ्रंट 2, जो कि यहाँ पे कोडी गैक्पो मेम्फिस डिपाई खेले हैं। कोडी गैक्पो इज द गाय टू वॉच आउट फॉर, उस बंदे की पेस, वो बंदा जिस हिसाब से अपनी बॉडी को टर्न करता है टू हैव अ शॉट टू गिव द फाइनल पास, ही इज प्रोबेबली अ प्ले मेकर एंड विद अ ग्रेट फिनिश। इन बिटवीन द लाइंस ऑपरेट करना, एक दो सिंपल 1-2 टचेस के साथ लिंक अप करना एंड देन रन मारना इन बिहाइंड, ही हैज गॉट पेस और हमारे डिफेंस में पेस की बहुत बड़ी कमी है। ना इधर रोमेरो ना इधर ओटामेंडी, इन दोनों के पास पेस नहीं है। हमारे फुल बैक्स ऑफकोर्स आपको पता है कि थोड़े से वीक लिंक है हमारी टीम में, एक जो वीक लिंक आप पिन पॉइंट कर सकते हो, लोग कहते हैं ना ये फुल बैक्स हमारे वीक है, बट देन पिछले मैचेस में हमने देखा है कि ये दो फुल बैक्स जो हमारे हैं अकुनिया है, राइट पे मोलिना है, दे हैव गिवन देयर 100%। अगर नीदरलैंड के सेटअप की बात करूं मैं तो लुई वान हाल विल नॉट शाय अवे फ्रॉम यूजिंग द सेम सेटअप दैट ही हैज बीन यूजिंग, एक बैक 3 विद टिम्बर्स, निथनाकी एंड बीच में अपने वैन डाइक, ये तो डेफिनेटली बैक 3 होनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिडफील्डर्स कौन खेलेंगे, बिकॉज अब स्टार्टिंग के 3 ग्रुप स्टेज मैच देख लो ना, तो लुई वान हाल ने ना कोई भी एक डेफिनेट सेट ऑफ पार्टनरशिप इस्तेमाल नहीं किया है अलॉन्ग विद फ्रेंकी डी यॉन्ग, ही हैज टेस्टेड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स यार। तो वहां पे अब डीरून खेल रहे हैं, वहां पे अब कूप मीनर्स खेल रहे हैं, आई कांट टेल, बट मेरे ओपिनियन में आई थिंक फ्रेंकी डी यॉन्ग एंड डीरून वुड बी स्टार्टिंग इन द मिड ऑफ द पार्क। अप टॉप डेवी क्लासन बिकॉज ही प्रेसेस वेरी नाइसली फ्रॉम द टॉप, एक बहुत ऑब्वियस थ्रेट है इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग एज वेल, इन टर्म्स ऑफ लिंकअप एज वेल। इनके पास बर्गुइस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बर्गुइस थोड़ा सा फाइनल थर्ड प्लेयर मुझे लगता है क्योंकि गोडी गैक्पो उस एरिया में ऑपरेट करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस मैच में दे विल बी गोइंग विद बर्गुइस। मुझे लगता है कि क्लासन खेल रहा है जिस फॉर्म में, क्लासन हैज टू स्टार्ट डेफिनेटली। राइट बैक पास डंफ्रीज होगा, जो कि बंदा लास्ट मैच में बहुत बहुत एपिक परफॉर्मेंस थी भाई, 2 असिस्ट 1 गोल मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस इन माय ओपिनियन। आई थिंक भाई डंफ्रीज विल बी स्टार्टिंग ऑन द राइट विंग बैक पोजीशन, लेफ्ट पे डेनी ब्लिंक, लास्ट टाइम आउट ही स्कोर्ड अ ग्रेट गोल। अप टॉप डिपाई और ऑफकोर्स कोडी गैक्पो रहेंगे, तो ये पूरी एक जो लाइनअप है इट वुड नॉट बी चेंज। मुझे नहीं लगता लुई वान हाल चेंज करेगा अर्जेंटीना के मैच के लिए। ही सेड कि लेटेस्ट इंटरव्यू में बंदा कहता है कि I have a way to defend या play against Argentina। वो कहता है कि मेसी क्योंकि defensive phases में operate नहीं करता है, तो we will utilize the absence of Messi in the defensive phases। एक man extra हमारे पास रहेगा। So initially जो मैं Netherlands का style, जो उनका gameplay में judge कर पा रहा हूँ, it is being solid, being narrow and compact, वर्टिकल कम्पैक्टनेस को कम रखना एंड अपने स्पेसेस बिटवीन द लाइंस को कम करना। क्योंकि जितने भी मैंने नीदरलैंड के मैचेस देखे इस वर्ल्ड कप में पूरे ही देखे हैं, वो क्या करते थे, दे हैड अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द मिडफील्ड एंड फॉरवर्ड लाइन,
एंड बिटवीन द डिफेंस एंड मिडफील्ड लाइंस, क्योंकि अगर फ्रेंकी डी यॉन्ग बॉल लेके फॉरवर्ड प्रोग्रेस कर चुके हैं तो उनकी जो डिफेंस लाइन है बैक थ्री एंड जो उनकी मिड लाइन है उनके बीच में काफी ज्यादा गैप बनता था। हमने सेलिंगल के अगेंस्ट देखा, हमने बाकी टीमों के अगेंस्ट देखा हुआ है। राइट नाउ अगेंस्ट अर्जेंटीना दिस वुड बी लीथल, दिस वुड बी वेरी वेरी लीथल, बिकॉज अर्जेंटीना के टीम में इन बिटवीन द लाइन्स खेलने वाले प्लेयर्स काफी बेहतरीन है। एक तो लियो मेसी ऑब्वियसली, वी हैव गॉट एलेक्सिस मैकलिस्टर जो कि बहुत प्यार से ऑपरेट करता है, पापो गोमेज अगर खेल रहा है तो वो भाई वहीं पर थ्राइव करता है वो बंदा, एंड जूलियन अल्वारेज एज वेल। इट डिपेंड्स कि अब अर्जेंटीना कैसे लाइनअप करेगी। अप्रोच की जहाँ तक बात है, मुझे जहाँ तक फील होता है कि इट्स नॉट गोना बी एक बहुत लो ब्लॉक डीप लाइन फुटबॉल जो नीदरलैंड खेलेगी। दे विल बी ऑपरेटिंग इन द मिड ब्लॉक, ट्राई टू डू फोर्स टर्नओवर्स, बॉल विन करना इन द मिड ऑफ द पार्क एंड देन वहां से प्रोपागेट करना। तुम एक चीज देखे थे पिछले मैच में, इफ यू गाइस नोटिस, जब भी डीपॉल के पैर पे बॉल आ रही थी उसके ऊपर एक प्रेस इनिशिएट हो रहा था। व्हाई? बिकॉज डीपॉल इज वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स एट अर्जेंटीना जिसका फर्स्ट टच उतना बेहतरीन नहीं है, तो जैसे ही डीपॉल के पैर पे बॉल आती है आपके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स उस पर प्रेस ट्रिगर ऑन करके वो चढ़ते हैं उसके ऊपर कि भाई डीपॉल के पास बॉल आ गई, इसको प्रेस करते हैं एंड ही विल इवेंचुअली लूज द बॉल। तो अगर डीपॉल पे वो प्रेस पड़ रहा है दो से तीन प्लेयर्स का, ही इज बाउंड टू लूज द बॉल एंड एक फोर्स टर्न ओवर हो सकता है, प्रोबली फ्रेंकी डी यॉन्ग से, प्रोबली लेफ्ट पे डेली ब्लिंट से, या फिर डेवी क्लासन जब वो ड्रॉप करेंगे। तो यार ये एक हमारी वीक लिंक कह सकते हो, या एक तुम कह सकते हो कि टैक्टिक है जो कि लुई वान हाल जरूर से इस्तेमाल करना चाहेगा फोर्स टर्न ओवर्स का। ही वुड वॉन्ट टू विन द बॉल इन द मिड ऑफ द पार्क, इवन मेसी को क्राउड करके दो से तीन प्लेयर मेसी पे चढ़ा के यू कैन विन द बॉल। वो बंदा ड्रिबल करता है, ऑफकोर्स 10 में से 6-7 ड्रिबल करेगा, बट दैट वुड बी वन और टू और थ्री चांसेस जहां पे मेसी वुड लूज द बॉल एंड वहां पे फ्रेंकी की रन, कोडी गैपो के इन बिहाइंड रन, एंड क्योंकि अर्जेंटीना हाई लाइन के साथ खेलती है दैट कुड बी वेरी वेरी लीथल फॉर अर्जेंटीना। ये अप्रोच हो सकता है फॉर नीदरलैंड टू कंटेन द बॉल, टू यूज द बॉल वेरी नाइसली, मूव द बॉल क्विकली, वाइड स्प्रेड करना टू डंफ्रीज, लेफ्ट स्प्रेड करना टू बाय डेली ब्रिंड, और डिपाय के पैरों पे बॉल आती थी ऑब्वियसली आपको पता है ही इज अ वेरी गुड रनर विद द बॉल, अगर उसको स्पेसेस मिलती है ऑन द लेफ्ट हैंड फ्लैंक टू रन इन बिहाइंड तो ही विल टेक ऑन क्रिश्चियन रोमेरो, आइदर ओटामेंडी और जो भी हमारे डिफेंडर खेल रहा होगा डायरेक्टली ही विल टेक ऑन दैट गाय। अब भाई नीदरलैंड क्या करती है, बीट ऑन द लेफ्ट बीट ऑन द राइट वो न्यूमेरिकल सुपरियोरिटी बनाते हैं, मतलब 2v1 का रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइदर दिस डेली ब्लिंट एंड मेम्फिस डिपाय अटैकिंग योर राइट बैक मोलिना, और इट कुड बी राइट पे डेंजल डंफ्रीज और कोडी गैक्पो अटैकिंग योर लेफ्ट बैक अकुनिया। अब यहीं पे बात आती है कि अर्जेंटीना कैसे इस चीज को डिफेंड करेगी, बिकॉज भाई लायंस कॉलोनी पागल थोड़े, वो तो खुद एक प्लान के साथ आएगा ना, ही वुड स्टिल स्टडी नीदरलैंड, ही वुड हैव स्टडी हिज टीम स्ट्रेंथ जो कि उसको ऑलरेडी अच्छे से पता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट आई वांट स्कालोनी टू डू इज टू क्रिएट नंबर फॉर अ नंबर, एक मैन पे एक मैन डेफिनेटली करना है, और ये अर्जेंटीना करती है। वो बेसिकली पूरे कोपा अमेरिका के गेम्स में, वर्ल्ड क्वालिफाइंग कैंपेन में मैन मार्किंग पे ही इस्तेमाल किए, जोनल नहीं, दे प्रेस ऑन द मैन व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, व्हेन दे लूज द बॉल उनका सबसे पहला मूल मंत्र होता है कि भाई क्विकली एज क्विकली एज पॉसिबल बॉल विन करो, पोजिशन मेंटेन करो, बिकॉज अर्जेंटीना इज वन ऑफ दोस टीम जो कि काफी ज्यादा हाई पोजिशन के साथ खेलती है। तो अगर उनके पास बॉल है दे विल डेफिनेटली कीप द बॉल विद देम, पास द बॉल एंड चाहेंगे कि वो स्पेस ओपन अप हो, मेसी को ऑन द बॉल लाए एंड मेसी एक दो बॉल निकाले इन बिहाइंड फॉर द रनर्स। जब उनके पास बॉल नहीं होता है दैट्स व्हेन दे आर वेरी वेरी वीक, उनके पास बॉल नहीं है अपोजिशन, इफ दे आर यूटिलाइजिंग द बॉल इन अ वेरी गुड वे वहां पे दिक्कत हो सकती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग रनर्स ऑफ द बॉल। तो अब अर्जेंटीना व्हाट दे हैव टू डू, पहली बात तो भाई आंख बंद करके इतना हाईलाइन मेंटेन नहीं करनी है, क्योंकि अगर फोर्स टर्नओवर हुआ, अगर बॉल लूज हुई तो भाई इनकी टीम में दोनों रनर्स बहुत ही तेज है, कोडी गैपो को मिला लो 3-4 रनर्स इनके पास टीम में है, फ्रेंकी डी यॉन्ग मिड पे वो फाड़ेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो व्हाट आई वांट देम टू डू इज टू बी नैरो, बी कॉम्पैक्ट एंड थोड़ा सा डीप भी खेले। अगर आपको बॉल मूव करना है फाइनल थर्ड में पोजीशन के, वेल एंड गुड जॉब, बट देन यूटिलाइज द बॉल, मेक समथिंग आउट ऑफ इट, बिकॉज यार आपको मजाक में नहीं लेना यार, वन ऑफ द टू ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स आर प्लेइंग इन दिस टीम ऑफ नीदरलैंड, वैन डाइक, डिलिट, टिम्बर्स व्हेन इज प्लेइंग इन अ बैक थ्री सिस्टम एट नीदरलैंड ही इज एब्सोल्युटली रॉक। तो अगर वैन डाइक है उसके अगेंस्ट हम किसको खिला रहे हैं, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लुतारो खेल रहा है, बिकॉज एज यू ऑल नो कि लुतारो के एजेंट ने बोला कि भाई उसको वो इंजेक्शंस ले रहा है बंदा, हर मैच से पहले ही इज टेकिंग इंजेक्शंस क्योंकि उसके पैर में अभी भी दर्द हो रहा है। तो आर यू गोना गो विद एन इंजर्ड नॉट सो फिट लुतारो मार्टिनेज अप टॉप, और द करेंटली जो बंदा वर्क कर रहा है इन जूलियन अल्वारेस, मेरे ओपिनियन में स्टिल आई बी गोइंग विद अल्वारेस बिकॉज वो स्पेसेस को बहुत अच्छे तरीके से अटैक करता है। तो डेफिनेटली यार मैं एक 4-4-2 की फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहूंगा विद मेसी एंड जूलियन अल्वारेस अप टॉप, जब मेसी ड्रॉप कर जाते हैं डी मारिया राइट से स्टार्ट करे।
आपके पास मिड में डेफिनेटली हैज टू बी एक मिड थ्री विद एंजो विद डीपॉल एंड विद एलेक्सिस मैकलिस्टर ऑन द फार लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच. अकुन्या लेफ्ट बैक पे डेफिनेटली खेलना है, ही हैज बीन प्लेइंग वेरी गुड. और डिफेंस की जहां तक बात आती है, अब आप किसको स्टार्ट करोगे डिफेंस में? आई वांट टू आस्क यू गाइस, आप बताओ आप क्या पेयरिंग इस्तेमाल करना चाह रहे हो? वो ओटामेंडी की पेयरिंग विद क्रिश्चियन रोमेरो और इस यहाँ पे आप लिसांड्रो मार्टिनेस को डालोगे? आई थिंक इस गेम में वी कैन गो विद लिसांड्रो मार्टिनेस एंड ओटामेंडी. देखो एक हाइट का एडवांटेज नहीं है नीदरलैंड को, दे हैव गॉट डिपाई एंड दे हैव गॉट कोडी गैक्पो जो कि दे आर नॉट वेरी टॉल प्लेयर्स बट दे स्टिल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेट इन व्हेन इट कम्स टू एरियल बॉल्स. अगर सेट पीस भी हैं तभी भी भाई डियोंग है, वैन डाइक है, इनको भी थॉट करने के लिए वी विल बी यूटिलाइजिंग. ओटामेंडी तो भाई रहना ही रहना है पिच पे और लिसांड्रो मार्टिनेस. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि पेस ज़्यादा है लिसांड्रो का, ही इज एबल टू स्प्रेड द बॉल इन अ बेटर वे. अगर नीदरलैंड हमें स्पेस दे रही है तो लिसांड्रो इज दैट गाय जो कि डिफेंस स्प्लिटिंग पास, लाइन ब्रेकिंग पास कर सकता है, तो ही to play right pe molina obviously yaar. so this is going to be my lineup for argentina and ab approach kya rahega argentina ka? dekho kai baar argentina has been accused ki bhai wo game kill nahi karte. pichle match mein bhi against australia score could have been 3-1 even 4-1 ho sakta tha. वहाँ पे भाई लुतारो ने भाई चांसेस मिस किए. इस मैच में पहली बात गांठ बांध के रख लो, आपको चांसेस नहीं मिलने वाले ना, नहीं मिलेंगे आपको ऐसे क्लियर कट चांसेस कि भाई एंड टू एंड गेम हो रहा होगा. मुझे लगता है दोनों टीम थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके खेलेगी, थोड़ा सा टेस्ट करना चाहेगी भाई वाटर कैसा है, भाई ठंडा है गर्म है कैसा है. एंड जब गेम 60+ मिनट के बाद अप्रोच करेगा वहाँ पे टीम बैंक करेगी. एंड कोई भी डाउट नहीं है कि ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में ना जाए, ना ना बिल्कुल जा सकता है. हो सकता है बहुत केजी गेम हो, सकता है बहुत नर्वस गेम हो, बिकॉज यहाँ पे अर्जेंटीना भी थोड़ी सी एक नर्वसनेस के साथ खेल सकती है प्रोबली, बिकॉज नीदरलैंड इज अ वेरी वेरी गुड साइड एंड प्रोबली नीदरलैंड कुड डू द सेम. तो ये आसान गेम नहीं होने वाला है, ना फॉर नीदरलैंड ना फॉर अर्जेंटीना. दे हैव टू स्टेप अप. नीदरलैंड हैज नॉट प्लेड वेरी गुड इन द फीफा वर्ल्ड कप गाइज, रिमेंबर दिस. इन द होल ग्रुप स्टेज दे हैव बेयरली मैच टू विन. सेनेगल के अगेंस्ट भी दे रियली स्ट्रगल टू स्कोर, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन, उनकी अटैकिंग थ्रेट बहुत ही फार थी सेनेगल की. तो अगर अर्जेंटीना विल ऑलवेज कीप ऑन द, मतलब वो पेडल पे भाई आपको पैर रखे रहना, मतलब आपको वो इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं करनी, बिकॉज अर्जेंटीना वर्क ऑन केओस, दे वर्क ऑन दैट, दे थ्राइव ऑन दैट केओस. तो अगर उनके पास वो इंटेंसिटी है जिससे कोई वो अटैक करेंगे, अगर आपका कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है, एंजो फर्नांडिस मिड में अगर है, अगर इफ ही इज हैविंग द नंबर्स अराउंड हिम, तो ही विल बी एबल टू फाइंड द राइट पास. अच्छी बात है हमारे पास बेंच पे ऑप्शंस है. हमें देखना है भाई पाउलो डिबाला को इस्तेमाल होते हुए. अगर लुतारो मार्टिनेज नॉट फिट नॉट फाइन, भाई ब्रिंग ऑन पाउलो डिबाला, वो बंदा एक एक्स फैक्टर लाता है. तो डेफिनेटली आई वांट टू सी दिस गाय. परदेश हमारे पास बेंच पे, गिदो रोड्रिगेस है. अगर हमें थोड़ा सा डिफेंसिवली सॉलिड होना, अगर हम अर्ली गोल स्कोर कर देते हैं, वी वांट टू सी द गेम थ्रू. बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि भाई नीदरलैंड भी एक गोल मारेगी. तो अगर प्रेडिक्शन की बात है, जैसे कि मैंने कहा गेम कैन इजीली गो अप टिल दी 120th मिनट. मैं पेनल्टी होप नहीं करूंगा भाई, पेनल्टी वुड रियली किल द स्पिरिट ऑफ द गेम. आई रियली वांट टू सी दिस गेम बींग एंडेड बिफोर दी पेनल्टी यार. तो 120 मिनट खेलो, कोई दिक्कत नहीं भाई, गेम एंड कर दो. पेनल्टीज में भाई बहुत नर्वसनेस होगी, बहुत भाई उल्टा सीधा हो जाएगा यार. तो बींग अ फैन ऑफ अर्जेंटीना, मैं तो मेरी तो फट जाएगी भाई. तो दैट आई डोंट वॉन्ट. I want Argentina to play to make the chances and be clinical with it, because हमने देखा Argentina को chances बनाते हुए chances waste करना. एक और मेरा thought था यहाँ पे कि even Netherlands could try to use the mechanism that Saudi Arabia used against us in the opening game. वो एक high line रखना और वो अपने प्लेयर्स को इन बिहाइंड रन के लिए लोर करना. तो अगर तुम हाईलाइन रखते हो तो मतलब तुम अर्जेंटीना को अपने ही बॉक्स में केज कर दियो. उनको फिर ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, कोई ट्रांजिशन के साथ लॉन्ग जाना ही पड़ेगा. एंड देयर इज वेरी यून कैच दम ऑफ साइड. बट क्या नीदरलैंड ये इफेक्टिवली कर पाएगी? क्या ये उतने बार कर पाएगी जितने बार सऊदी अरेबिया वो एबल टू डू? उन्होंने हमारे 3 क्लियर कट गोल को ऑफ साइड किया था, उनमें से अगर एक भी गोल आया होता वी वुड नॉट हैव लॉस्ट दैट गेम. तो मे बी हो सकता है यहाँ पे लुई वन हाल वुड बी थिंकिंग ओके दिस कुड ऑल्सो बी एन अप्रोच टू गो हाई लाइन लगा दो और अर्जेंटीना को अपने ही बॉक्स में केज कर दो, फोर्स टर्न ओवर करो एंड स्कोर सम गोल्स, बिकॉज भाई दिट इज वेरी वेरी पॉसिबल. बिकॉज हर एक प्लेयर एट नीदरलैंड इज वेरी गुड ऑन द बॉल, दे आर कंफर्टेबल ऑन द बॉल, उनको कोई भी बॉल के ऊपर होते हुए दिक्कत नहीं होती है. सो इट कुड बी अ वेरी नर्वस गेम फॉर अर्जेंटीना, बिकॉज प्रेशर इज ऑन देम. प्रेशर एक्चुअल में अर्जेंटीना पे है, नीदरलैंड पे नहीं. आई थिंक जो टीम खेलने वाली विदाउट प्रेशर दैट इज गोइंग टू बी नीदरलैंड. दे हैव नथिंग टू लूज एंड अर्जेंटीना हैव एवरीथिंग टू लूज. इफ दे गेट आउट ऑफ द क्वार्टर फाइनल इट वुड नॉट बी गुड फॉर देम. तो उनको डेफिनेटली जीतना होगा, मेसी के ऊपर प्रेशर होगा. एंड हाउ आर दे गोना मार्क मेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेसी पोजिशनिंग कहाँ लेंगे पिच पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज यू नो कि भाई मेसी हराम खोर बट टहलता घूमता रहता है, ही कट्स हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम द गेम. जब उसको लगता है कि उसके ऊपर टू मच अटेंशन पड़ा है, बंदा किनारे हो जाएगा. ही विल कम इन द डिफेंसिव रोल, ही विल कम एज अ राइट बैक एंड दैट इज वॉट ही हैज बीन डूइंग. और वो लॉन्ग बॉल फीड करता है. तभी मैं चाहता हूँ मैकलिस्टर खेले, तभी मैं चाहता हूँ जूलियन अल्वारेस खेले. पापो गोमेज इज ऑल्सो वेरी
वेरी गुड पिक बिकॉज पिछले मैच में पापू गोमेज लेफ्ट हैंड साइड पे पिच खोला हुआ था एंड देन ही यूज्ड टू कम इंस्टेंट अकुनिया लेफ्ट हैंड साइड से डैश कर रहा था. सो देयर आर वेज इन विच बोथ द टीम्स कैन अप्रोच एंड प्ले अगेंस्ट ईच अदर, बट इट डिपेंड्स कि कौन सी टीम अपने टैक्टिक्स को फुलफिल कर पा रही है कल के मैच में, बिकॉज इट्स गोना बी सुपर सुपर क्रेजी यार. तो मेरे पास तो मैच टिकट्स नहीं है, आई विल बी गोइंग टू स्क्रीनिंग जहाँ पे मैं बैठ के मैच देख रहा हूँ फैंस लोगों के साथ. इट्स गोना बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइस. मैं तो चाह रहा हूँ कि अर्जेंटीना जीते. आई नो कि नीदरलैंड फैंस यहाँ पे डेफिनेटली चाह रहे हैं कि नीदरलैंड जीते, बट डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट्स डाउन बिलो कि आपके प्रिडिक्शंस क्या है. लेट्स गो. फाइनली भाई हम आ चुके हैं टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप. वेमोस अर्जेंटीना कॉमेंट करेगा हर एक बंदा कॉमेंट सेक्शन में. मैं आपको मिलता हूँ फाइनल रिव्यू में. प्रोबेबली विल ऑल्सो गो लाइव एट 9 PM टुनाइट. जरूर से ज्वाइन करिएगा. अंटिल देन एज ऑलवेज, वेमोस अर्जेंटीना एंड पीस आउट यार. लेट्स गो.